डैड, दादा यहाँ क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो बिल्कुल आप पर गए। मुझ पर गए? बहुत जिद्दी हैं और किसी की बात नहीं सुनते। ओ, तो क्या वो कभी नहीं आएंगे? आएंगे, अगर कोई मौजा हो जाए। मौजा? लो, फिर गई लाइट। नहीं, उड़ गया आपका खानदानी फ्यूज। और तूने कौन सा लाइट में बैठकर एमए की तैयारी करनी है? आराम करो, सुबह देखेंगे। हाँ भाई, कुछ पता लगा? जल्दी करो, रास्ते ना बिजली है ना पानी। आंटी जी, पूरे घर की वायरिंग जल गई है, कम से कम एक हफ्ता लगेगा। तो फिर अभी से शुरू करो। तो क्या एक हफ्ता हम बिजली और पानी के बगैर रहेंगे? क्या फर्क पड़ता है, सेहन में चार पहिए बिछाएंगे और ओपन एयर के मजे लेंगे। चल भी आ, मैं तुझे सामान ले दूं। चल आ जी, एक मिनट। आ गया। वो करंट ना खा लेगी। चल। कमाल है भाई, भी दो दिन में ही तुम्हारी बस हो गई। नाजिया बेगम, ये जो सोसाइटी वाले दिखाते हैं ना, असल में ऐसा होता नहीं है, सब झूठे ख्वाब दिखाते हैं। ड्रीम गार्डन। खुली सड़कें, साफ सफाई, वो देखो सामने पार्क भी है, इन पर तो पर्चा कटवा देना चाहिए। अभी घर का नंबर बताती हो या मैं मोड़ू गाड़ी को इधर से? लीजिए नाजिया बेगम, आ गया घर। अरे 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 अरे, वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम, दो हफ्ते बाद देख रहा हूँ। नहीं यार, दो हफ्ते में इतना वजन बढ़ा लिया? आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मियां? बिल्कुल ठीक। फाइनली आ ही गए आप लोग। भाई आए तो हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। चले आए तो सही। आए आए। आओ। डैडी, हो गया मोजा। चलो भी नाजिया, बहुत वक्त हो गया है, अब वापस चले। अंकल, वहाँ पर काम खत्म होने में अभी बहुत टाइम है, तब तक आप और आंटी यहीं रुक जाए ना। वो बेटा, तुम्हारी अम्मी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो वही ठीक हूँ। दादा, हमेशा के लिए थोड़ी रहना है, कुछ दिनों की बात है, रह लेना। चुप करो, तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है, बड़ों के बीच में बोलते रहते हो। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आई लव दादा, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहते, अकेले रह लेंगे वहाँ पर। क्या हो गया, बच्चे को क्यों डांट रहे हो? अम्मी, गलत एक्सपेक्टेशंस होनी नहीं चाहिए। चलो अंदर जाओ। आई लव दादा।